नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैबिन स्टडी में। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा जावा पे, जिस पे हम यूज़र से जावा के अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ इनपुट लेना सीखेंगे। तो इसमें हम कौन कौन सी एक्सेप्शंस आती हैं वो भी साथ में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो पैकेज चाहिए होगा। पैकेज के लिए हमें स्टेटमेंट यूज करते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार। इनपुट आउटपुट हमारा पैकेज चाहिए होगा ताकि हम अपनी स्ट्रीम्स को यूज कर सकें। इनपुट के लिए यूजर इनपुट देगा और उसको हमारा कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा और उसकी जो भी आगे कैलकुलेशन आपने दी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। तो हम क्लास का नाम रख रहे हैं यूजर आईपी, या इनपुट कर लेते हैं इनपुट, यूजर इनपुट। तो मेन मेथड लेंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स देन। तो हमें यहां पे अभी स्ट्रीम्स का यूज करना है, तो मैं इसमें दो स्ट्रीम्स यूज करूंगा, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम। तो ध्यान रखना है आपने, इसका जो क्लासेस हैं स्ट्रीम की वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम, इसमें स्पेस नहीं आएगी, रीडर। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई एन पी इक्वल टू न्यू, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर और सिस्टम डॉट इन, तो सेमी कॉलन डालेंगे। तो ये हमारी जो इनपुट की स्ट्रीम है वो क्लास हमने ट्रू क्लास यूज कर ली। तो अभी हम बफर यूज करेंगे, बफर्ड रीडर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। तो इसमें हम ये हमारा जो इनपुट का ऑब्जेक्ट है इसको पास कर दें आई एन। तो इतना काम करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम रहेगा कि यूजर से इनपुट लेनी है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग में लेंगे स्ट्रिंग एस टी आर वन इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं बी आर डॉट टू बी आर डॉट रीड लाइन, ये मेथड आएगा। तो ये हमारी बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं वो स्ट्रिंग को रीड करती हैं। अगर हमें किसी और चीज इनपुट चाहिए तो हमें उसकी कन्वर्जन करवानी पड़ेगी। तो मैं इसमें यहां पे आपको दो स्ट्रिंग लेके बताऊंगा, ये मेरी दो नंबर स्ट्रिंग है। तो मेरी दो स्ट्रिंग की इनपुट हो गई है और यहाँ पे मैं एक मैसेज लगा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको कॉपी करेंगे। इसको पेस्ट यहाँ पे सेकंड कर देंगे। तो एक सिंपल हो गया है, अभी इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारी एस वन
you enter plus str 1 plus str 2 और इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी हमने बॉडी बंद करी है तो उसमें एक एक्सेप्शन आएगी, वो हम इसको देखेंगे। तो जावा प्रोग नाम के फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मेरे प्रोग्राम का नाम है यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट डॉट जावा, यूज़र इनपुट डॉट जावा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इसको चलाऊँगा। जावा सी यूजर इनपुट डॉट जावा, तो उसमें मेरी एक एक्सेप्शन आई है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, स्टार्ट डालेंगे, सेव करेंगे। हमारी दो एक्सेप्शन आई हैं, आप इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये एरर नहीं है, ये हमारी एक्सेप्शन हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड इनपुट एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड, तो हमें इसे पहले कैच करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम इसको ट्राई में रख रहे हैं। ट्राई पूरे के पूरे कोड को ट्राई में रखेंगे, तो यहाँ पे हम कैच करवा देंगे और कैच को यहाँ में दे देंगे एक्सेप्शन, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा और इसकी बॉडी इधर ही बंद कर, तो इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। तो जावा यूजर इनपुट, तो इसमें ये हमारे से पहले स्ट्रिंग मांग रहा है, मैंने दे दिया हेलो। सेकंड मांगेगा जावा, तो यहाँ पे मेरा आ गया हेलो जावा। तो अभी मैंने ये आपको स्ट्रिंग करके बताया, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी जो भी इनपुट ले रहा है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा है। अगर हम यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर इंट कर रहा हूँ int str1, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए incompatible string cannot be converted to int, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हमारा इनपुट है स्ट्रीम्स है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग की फॉर्म में हमसे इनपुट लेता है और अब वापस भी हमें स्ट्रिंग में ही रिटर्न करवाता है, हमें वापस स्ट्रिंग में देता है। अगर हम इंटीजर भी दें तो वापस वो हमें स्ट्रिंग में देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है और यहाँ मैं इसकी कन्वर्जन करूँगा, पार्सिंग करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास वेरिएबल रहेगा int a int a equal to, तो यहाँ पे मेरे पास है integer dot parse int, तो यहाँ पे मैं क्या पार करूँगा str1। तो इसी तरीके से मेरा दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको बी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एस टी आर टू कर दूँगा। तो यहाँ पे इसका अभी मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ, तो सम के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं int c इक्वल टू ए प्लस बी। अभी इसका जो सम होगा, सम
sum equal to concatenation C। तो इसको देखते हैं। तो ये मेरे से पहला नंबर मांग रहा है, मैंने 3 एंटर किया, मैंने 4 किया, मेरा सम 7 है। तो ये अगर ये मेरा वेरिएबल इंटीजर मैंने लिया है और ये दोनों इंटीजर नहीं होते, एक बार यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया है, तो मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, मैं str1 प्लस str2 को प्लस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सही रहूँगा। तो इसका जो होएगा, ये दोनों स्ट्रिंग होंगी वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि आपका जो, ये देखिए सेमी कॉलन की प्रॉब्लम है। तो जावा जो होता है वो सिंटैक्स के लिए बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। ये देखिए इसमें इनकम्पैटिबल टाइप आ गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको हटा रहे हैं इधर से, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, str1 plus str2। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये कंकैटिनेशन कर देगा, दोनों स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन कर देगा। एक एरर आ गई है, str रह गया, str। ये दोनों स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन कर देगा। तो मैंने 3 दिया और 4 दिया, ये मेरे को आंसर आ गया 34। तो ये हमारा एक इनपुट का एक सिंपल सा वे है। तो अगर आप ट्राई और कैच नहीं यूज करना चाहते, तो यहाँ पे आप थ्रोज एक्सेप्शन लिख सकते हो, तो उसके बाद आपको ये ट्राई और कैच ब्लॉक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सिंपल सा वे है जिसमें हम स्ट्रीम्स के साथ जावा में कैसे इनपुट लेते हैं। तो इस लेक्चर में आपने एक इनपुट लेना सीखा है, तो आपने कन्वर्जन करनी सीखी है कि हमारी जो वापसी आती है, हमें जावा जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है, हमें ज़रूरत के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें इंटीजर चाहिए तो हमें पार्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी इंटीजर के साथ, अगर हमें फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट के साथ, और डबल के साथ चाहिए तो डबल के साथ करनी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।